कुछ महीने पहले तक लोग BSNL के नाम से भी कतराते थे, लेकिन जब से जियो, एयरटेल और VI ने प्लान्स के दाम बढ़ाए हैं, मानो BSNL का नया जन्म हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से BSNL चर्चा में बनी हुई है। पिछले कई सालों से BSNL का यूजर्स बेस तेजी से गिर रहा था, लेकिन निजी कंपनी के प्राइस हाइक ने BSNL के ग्राहकों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया है। BSNL लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए सस्ते प्लान्स ऑफर कर रही है। BSNL के प्लान्स ने जियो, एयरटेल और VI की टेंशन बढ़ा दी है। महंगे रिचार्ज प्लान से बचने के लिए लोग अब BSNL की तरफ स्विच हो रहे हैं। अगर जुलाई के आंकड़ों में नजर डालें तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 2.17 लाख लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद राज्य में BSNL के ग्राहकों की कुल संख्या 40 लाख के पार हो गई है। आपको बता दें कि सस्ते रिचार्ज के बाद अब BSNL अपने ग्राहकों के लिए तेजी से 4G 5G नेटवर्क की सर्विस देने के लिए काम कर रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए BSNL देश भर के करीब 15,000 साइट पर 4G नेटवर्क को इंस्टॉल कर चुका है। BSNL आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से अपनी 4G सर्विस को शुरू करने जा रहा है। ऐसे में लाखों यूजर्स को इस बात की उम्मीद है कि कंपनी उन्हें सस्ते रिचार्ज प्लान्स की ही तरह सस्ते में हाई स्पीड इंटरनेट डेटा की सुविधा मिलेगी। बता दें कि BSNL लगातार अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर ला रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी अपने फाइबर यूजर्स को सस्ते प्लान में 3300 GB डेटा ऑफर कर रही है। BSNL में इस प्लान की खास बात यह है कि कंपनी पहले ग्राहकों को 499 रूपए ये प्लान देती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 100 रूपए कम कर दी गई है। अब यूजर्स सिर्फ 399 रूपए में 3300 GB डेटा का फायदा ले सकते हैं।